हो फिर देर हो गई, पता नहीं क्या करो जा आए अभी, सारे दिन मोबाइल में घुसी रहे। अरे भाई कुछ खाने को बनाया हो तो लेके आ चल तो। अरे कैसे बोल रहा हूँ मैं, ले खा ले और शाम को मुझे भी खा लियो। इतने बुरे दिन ना आया भी मेरे, इतनी सड़ी चीज ना खाता मैं। क्या मैं सड़ी हुई चीज हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा क्यों कह रही है तू? और जब घर में आटा नहीं होगा तो और क्या खाएगा मेरा सिर? और कल ही तो मैंने 10 किलो का आटा ला के रखा था, वो कहाँ गया? वो तो मैंने भंडारे में दे दिया। अरे घर में नहीं है दाने और बीवी चली बुलाने। अरे मैं कहता हूँ तुझे अभी देने की क्या जरूरत थी? अरे तुम तो ये कहा था कि पड़ोसियों को ना पता लग जाए कि हम बिल्कुल गरीब हैं, अगर ना देती तो नाक ना कट जाती हमारी। तेरे इस नाक के चक्कर में ना मैं दुखी हो गया। एक काम कर, अब की बार अपने घर जावे ना, इस नाक को ना अपने घर रख के आइयो। क्या? अब चल कोई बात नहीं, एक काम कर, घर में 2000 रुपए रखे है ना, उसमें आटा लिए। उनकी तो मैं अपनी साड़ी ले आई। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी भला साड़ी लाने की? अरे तुमने तो कहा था इस बार करवा चौथ पे मैं तुझे साड़ी दिलवाऊंगा, और पैसे खत्म हो जाते तब, इसीलिए मैं पहले ले आई। सत्या नाश हो तेरा, जिस घर में तेरे जैसी लुगाई हो ना, उस घर का नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। अब तू ही बता मैं और पैसे कहां से लाऊं? मुझे क्या पता, कहीं से भी लाओ, चोरी करो, डकैती डालो, किसी के मांग के लाओ, चाहे कुछ भी करो, ये काम मेरा थोड़ी नहीं है। शादी मुझसे इसीलिए की थी तुमने कि मैं बस तुम्हारे ताने सुनती रहूं। अरे उस दिन को तो मैं कब से पहुंच रहा हूँ। अरे पहुंचने से काम नहीं चलेगा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा बाबा बन जा, बाबा बाबाओं के पास बहुत पैसे हैं। अरे मैं तेरे कहने से ही तो मैंने अखबार में सोशल मीडिया पे ऐड डाल दी भगवान, वो तो मुझे सचमुच का बाबा समझेंगे। कई बार फोन भी आ चुके हैं, तो देखना इस बार संडे में ना यहाँ लाइन लग जाएगी लाइन। अच्छा ही तो है, जितनी लंबी लाइन लगेगी उतने ज्यादा पैसे आएंगे। अच्छा तो ये तो बता तू उनका इलाज करेगा कैसे, तेरा तो कोई गुरु भी नहीं है। अरे आजकल बिना गुरु के चलने भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो जितना ज्यादा ढोंग करेगा लोग उतना ही उसे ज्यादा बड़ा बाबा समझे। तू चिंता मत कर, देखना मैं कैसा ड्रामा करता हूँ। तो ढोंग करने की प्रैक्टिस आज अभी और इसी टाइम से चालू कर दो, नहीं तो अगर तुम उनके सामने फेल हो गए ना तो जूते बहुत पड़ेंगे तुम्हें। हाँ हाँ तुम नहीं, तू एक काम कर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के ला, उसके बाद मैं बैठकर आराम से सोचता हूँ कि उन भक्तों के जूतों से मुझे कैसे बचना है। क्या समझे? समझ गई। अरे तू कुछ नहीं समझती, जा कुच्ची के भेजे में 183,789 चित्र है। अब कौन से चित्र से कौन सा फार्मूला निकला है ये कोई नहीं जानता, सिर्फ कुच्ची जानता है। सोच बेटा सोच। कितने दिन से कह रही थी बाबा बन जा बाबा बन जा, लेकिन अगर अब तक बाबा बन गए होते तो आज तुम करोड़पति होते, लेकिन इसने मेरी बात सुनी ही कहा। लेकिन खैर जो भी हुआ अब तो ऐसी ऐसे और आराम ही आराम होगा हमें। महाराज की जय हो। संदेह। हेलो हेलो हेलो। हाँ गुरुजी है क्या घर पे? गुरुजी तो है, अभी वो ध्यान में बैठे हैं, लेकिन हमें उनसे मिलना था, कब तक मिलेंगे? हाँ तो ठीक है आ जाना आप संडे को, वो मिलेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी बता देंगे। उनकी फीस कितनी है? जितनी मर्जी उतनी दे देना। और अगर समस्या का समाधान ना हुआ तो? जितनी मर्जी उतनी ले लेना। अरे ये मिल गया डोरा नहीं है भगवान, ये तो लोगों को अपने जाल में फंसाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो बता।
होता लोगों की समस्या। अरे समस्या में कुछ बताएंगे? उनकी समस्या का समाधान मैं करूँगा, जैसे भी होगा इलाज मैं करूँगा। मैंने तंत्र में जादू टोना की कई किताबें। लेकिन मजा तो तब है कि उनकी समस्या उनके बिना बताए तुम बताओ। और उसकी भी तरकीब है मेरे पास। वो कैसे? बताता हूँ। सुन, लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनका काम धंधा था, किसी का विवाह ना होना, संतान ना होना, भूत प्रेत बाधा, यही है ना? हाँ ये तो है। तो फिर तू एक काम करना, सबसे पहले लोगों की बीमारी के बारे में जानना और बीमारी के हिसाब से ही उनको सुपारी दे करके मेरे पास भेजना। बीमारी के हिसाब से? हाँ, काम धंधा था तो एक सुपारी, औलाद ना हो तो दो सुपारी, किसी का विवाह ना हो तो तीन सुपारी, और अगर किसी को भूत प्रेत बाधा होना तो पांच सुपारी दे करके भेजना। उसके बाद उन सुपारी को देख करके मैं जब उनकी बीमारी के बारे में बताऊंगा तो लोग कहेंगे मैं बहुत बड़ा बाबा हूँ, बहुत बड़ा। अब आई ना बात समझ में? अरे वाह मेरे गोचू, मैं तो सोचती थी तू आधा पागल है, लेकिन तेरे में तो पूरा दिमाग है। अरे कुछ दिन रुक जा, उसके बाद देखना मैंने भी तेरा दिमाग पूरा ना चला दिया तो मेरा नाम बदल देना। सुन, एक भी सुपारी गलत मत दे दियो, नहीं तो मेरे साथ साथ तेरे भी बहुत जूते पड़ेंगे। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी ना, तू मुझे लिख के दे दे कि किस बीमारी में कितनी सुपारी देनी है। हाँ ठीक है भाई, लिख के दे दूंगा। बस एक बार लोगों का विश्वास जम जाए उसके बाद देखना लोगों की यहाँ भीड़ लग जाएगी। अरे फिर तो पैसे भी खूब आएंगे, मैं तो अपने सोने की चैन बनवाऊंगी। हाँ हाँ जा, जाके पहले कलम पेंसिल लेके आ, जा कॉपी पेन लेके आ। लालची औरत पैसों को देखते इतनी लंबी जीभ निकाल देती है। आपका बड़ा नाम सुना। पूछो बताओ मैं कौन हूँ? तुम भाई आदमी हो कौन? अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से आया? तुम अपने घर जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? ये बताओ मेरे मुख में क्या आया? नहीं कुछ अदा बता, बताओ तो अदा बता बताएगा फिर बाबा का इधर तुम। हाँ नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा, तो तभी तो। चलो हम बताओ, ऊपर तो लाल है और अंदर तो सफेद है। ऊपर से लाल अंदर तो सफेद। ओ भाई ऐसा है तो मैं तो घर चल के अंदर मोरी उठा रखी। बता ये तो प्याज है। प्याज? अरे भाई ऐसा है, इसमें भी अंदर से सफेद हो ऊपर से लाल हो, मैं खुद गलत कह रहा हूँ। अच्छा नहीं ये तुक्का मारा तुमने। तुक्के नहीं भाई, सही कहता हूँ। नहीं तुक्के मारो, अब तो पूरे काम को बता दूंगा जाके। बाबा ढोंगी है। अरे नहीं भाई मैं ढोंगी कहाँ हूँ। ढोंगी हो? अरे मैं तो सही बता रहा हूँ भाई, तुक्के मारे तुमने। नहीं नहीं तुक्के नहीं मारे भाई, पूरे काम को छोड़ो करवा। ओ भाई ऐसा है, मैंने बिल्कुल सही बताया, गांव में कुछ बताने की जरूरत नहीं। राम लम्मा बाबा का छोड़ा गयो, बाबा ढोंगी है ढोंगी। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाता है यार, जा रहा है। लाइन में खड़ा हो जा, पहले मैं आता मैं मिलूंगा पापा से। भाई इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, जा पहले पापा से टिकट हार ले ले। लेडीज फर्स्ट, पहले मैं आई थी और मैं मिलूंगी बाबा से। हाँ भाई, तो बाबा की पूजा खत्म हो गई है, अब आप सबको बाबा के दर्शन होंगे और उसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले बाबा जी के दर्शन होगा, लाभ मैं लूंगी, वैसे भी अपने घर वालों को भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, आप सब लोग अपने समस्या मेरे कान में बताओ और सुपारी लो और उसका लाभ उठाओ। सुपारी का टोकन? हाँ, बाबा की चंडों में सुपारी ही चढ़ेगी,
तभी वो आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। तो ठीक है फिर, लाओ सुपारी जल्दी, अगर मेरा सर घूम गया ना तो फिर कोई नहीं संभाल पाएगा। लाओ दो सुपारी। बताओ फिर मेरे कान में अपनी समस्या। जब मैं बोलूंगी तो अंदर आ जाना, ठीक है? बताओ। चलो तो मैं आप सबको एक एक करके बुलाऊंगी और अंदर आना। चलो चलो आओ। नमस्ते बाबा, बैठो। सौभाग्यवती बहुत। बाबा के चरणों में अपनी सुपारी चढ़ाओ। नाम क्या है? मोना। बस हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा नाम है मोना और तुम्हारे पास नहीं है खिलौना। वर्षों से गौर सुनी पड़ी है क्या ये बात? आप तो सच में अंतर्यामी हो बाबा, बिना बताए सब कुछ जान ले। कोई तो उपाय होगा बाबा, मैं क्या सारी उम्र ऐसी तरसती रहूंगी? हमारे दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। हम चाहें तो तुम्हें आज अभी और इसी वक्त बच्चा देकर भेज सकते, लेकिन लेकिन क्या बाबा? वो क्या है कि चिंता मत करो, मुझे लगता है तुम्हारी कोख को किसी ने बांध रखा। ये काम जरूर मेरी जेठानी ने किया होगा, वो ही चाहती है कि मेरे बच्चे ना हो। ये सोचना तुम्हारा काम है, हम तुम्हारी बंधी हुई कोख को खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 5 दिन का अनुष्ठान करना होगा। क्या तुम उसका खर्च? उसमें कितना खर्च आएगा बाबा? ये कोई 21,000। हाय, उसके लिए तो मुझे अपनी सास के जेवर बेचने पड़ेंगे। सास के जेवर बेचो या अपनी सास को बेचो, भाई अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो ये खर्चा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे माथे से ये बांझ नाम का कलंक हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। मंजूर हो? पैसे तो मैं दे दूंगी बाबा, पहले आप ये बताओ आपके कितने बच्चे हैं? इसी बात का तो रोना है, दुनिया को बच्चे बांटता फिर रहा और अपने घर में एक चूहे का बच्चा भी नहीं है। तू चुप कर, तुझे क्या पता? अरे बोलने दो ना बाबा, जब तुम अपने लिए ना कुछ कर पाए तो हमारे लिए क्या करोगे? अरे कौन कहता है मेरे बच्चे नहीं है? मेरे 6 बच्चे हैं। 6? लेकिन ये तो कह रही है तुम्हारा एक भी बच्चा ना है। अरे वो दूसरी वाली के हैं। क्या तुमने दूसरी शादी कर रखी है? तभी मैं कहूँ कि इस घर की सारी कमाई कहाँ उड़ा रहे हो तुम। अरे तू अपनी जुबान थोड़ी देर बंद रखेगी? तो तुम्हारी इस बीवी के बच्चे अब तक क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसने अनुष्ठान के पैसे ही नहीं दिए। लेकिन ये तो आपकी बीवी है। तो जो अनुष्ठान के पैसे देगा, बच्चे तो उसके ही होंगे ना। तुम्हें बच्चा चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए। हाँ तो फिर एडवांस निकालो। मेरे पास तो 2,000 ही हैं, बाकी के मैं बाद में दे दूंगी। ठीक है ठीक है, एक काम करो, ये लो प्रसाद और रात को सोने के बाद आधा लड्डू और आधा लड्डू उठने से पहले खा लेना, ठीक है? अब जाओ। एक और बता, तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? हैं टांग डालना जरूरी था? सारा खेल बिगड़ जाता था। खेल तो तेरा मैं बिगाड़ूंगी, तू चल पहले। तू मुझे ये बता तेरी वो दूसरी बीवी कहाँ है? मेरी जेब में पड़ी, ले निकाल ले। अरे पगली, मैं तो बात को संभालने के लिए कह रहा था, तू समझती नहीं? अरे तेरी चैन कहाँ से आती? नहीं समझी बात? चल जाकर दूसरे को भेज दे। जो चांगो है।
हाँ भाई क्या हो रहा है? अरे तुम यहाँ क्या करने आए हो भाई? मैं तो पड़ोसी होने के नाते तुम्हें समझाने आया हूँ। जो ये ढोंग तुम रच रहे हो ना, इनको छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। अच्छा? हाँ। ओ भाई, तू अपना ज्ञान अपने धोरा रख। ऐसा है, ज्ञान तो हर कोई बात है, पर पैसे कोई नहीं देता। और भाई पैसे तो ढोंग करने से ही मिला है। लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। जिस दिन किसी मुसीबत में फंस गए ना, बहुत पछताओगे। ओ भाई तू बताइए मुझे बचान, किसी दिन मुसीबत आ गई तो तन्ने क्या फाड़ लिया भाई? तू तो इस विद्या का जानकार है ना, तन्ने अब तक क्या करा, फ्री में इलाज करते हैं। जाओ मेरे बाप जा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपना नाश अपने हाथों करना चाहता है तो कर ले, जा जा, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है। अरे दूसरे को भेजो। संतो प्रणाम बाबा। ऐसे नहीं हो, बैठो 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 बैठो। नहीं बाबा साहब, तुमने अपना नंबर काट के उसे पड़ोसी को अंदर भेज दिया पागल को, क्या जरूरत थी? बाबा मैंने तुम्हें बहुत कोशिश की रोकने की, पर उसने माना ही नहीं। और तुम अकड़ अकड़ क्या कर रही थी? तुम ही रोक सकती थी। अरे भगवान, वो कहने लगा मुझे तो उनसे कुछ काम है और उनके दर्शन करने हैं, अब वो थमा नहीं तो मैं क्या करूं? मैंने तो उसे सुपारी देने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो कहता है मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे तो बस उनके दर्शन करने हैं, इसलिए चला आया जबरदस्ती। अरे तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो? जल्दी से बाबा के चरणों में ये सुपारी करा दो, नहीं तो बाबा गुस्सा हो जाएंगे। ये लो बाबा। समझ गया, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है ना, कुआरेपन का दुख तुम्हें परेशान कर रहा है और कुआरा बाप बनने ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। आप तो बहुत महान है बाबा, बिना बताए आप सब कुछ जान गए, लेकिन ये बात आप किसी से मत कहना। कौन सी बात? हाँ बाबा, जो पड़ोस वाली भाभी के बच्चे है ना, वो मेरी है। बस यही लोक लग गया तेरी शादी। अबे मूरख, जो काम बाद में करने चाहिए वो काम तूने पहले क्यों किया? बच्चा क्यों किया? बाबा आप किसी तरह मेरा लॉक खुलवा दो, तुम्हारा बाप बनने की आदत इसे लेट होगी। बाबा शादी का लॉक खुलवाना चाहते हो तो कुछ खर्चा करना होगा, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है बाबा, मैं करूंगा खर्चा। इसमें कितना खर्चा आएगा? लॉक खोलने के 11,000 लगेंगे, मंजूर हो तो खोलो। ठीक है बाबा, मेरे पास तो 2,000 ही रुपए हैं, आप इसे ले लो, बाकी बाद में दे दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करो, इसको अपने तरफ से 60 बार एंटी क्लॉक वाइज घुमाना, बीच चौराहे पे जा करके पीछे फेंक देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये ताला जो भी लड़की उठाएगी, समझ लो उसी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। बैठो बैठो, प्रणाम करो बाबा को। प्रणाम? कैसा प्रणाम? मैं क्यों करूं प्रणाम? अरे भाई तुम चलकर मेरे पास आए हो, इसलिए मुझे प्रणाम करो। और मैं? तुम मुझे प्रणाम करो, मैं चल के इतनी दूर से तुम्हारे पास आया हूँ। अरे तुम मुझे प्रणाम करो। नहीं कर रहा, तुम मुझे प्रणाम करो। लो
अरे भाई तू मुझे प्रणाम कर, मेरे धुरा आया तू। तू कर मुझे प्रणाम, मैं इतनी दूर से चलकर तेरे घर आया। सब छोड़ो ना, तुम कर लो इसे प्रणाम, कौन देख रहा है। प्रणाम प्रणाम। आयुष्मान भय, सौभाग्यवती भय, पुत्र भय। जल्दी से सुपारी चढ़ाओ, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे ये। ये क्यों गुस्सा हो जाएंगे ये? सुपारी वाला बाबा मैं हूँ, ये मुझे चढ़ाएंगे सुपारी, मुझे, अगर इन्हें कुछ चाहिए तो। अरे भाई तुम चढ़ाओ। नहीं चढ़ाऊंगा, पहले तू चढ़ा। पहले तू चढ़ा। नहीं चढ़ाऊंगा, पहले तू चढ़ा। पहले तू चढ़ा। पहले तू चढ़ा। नहीं पहले तू चढ़ा। पहले तू चढ़ा। अरे तू भी चढ़ा दो, तुम्हें कोई देख थोड़ी ना रहा है यहाँ। ठीक है ये ले, ये ले। हैं? इतनी सारी सुपारी? मैंने इतनी दी दी थी, मैंने तो अभी से 3-4 सुपारी दी थी। तो इतनी सारी कैसे बन गई? क्यों खा गई ना चक्कर? अब बता मैं कौन हूँ? अगर सच्चा भगत है तो बता मैं कौन हूँ? सुपारी वाले बाबा। पाखंडी, तेरे से बड़ी भगत तो तेरी बीबी है जिसने बता दिया। अब ऐसा मुझे चैलेंज करता है तो इसके शरीर से मुझे निकाल के दिखाओ। तू मुझे चैलेंज करता है? निकाल दिया तो? अगर नहीं निकाल पाया तो? और निकाल दिया तो? अगर निकाल दिया तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर तक गुलाम रहूंगा, और अगर नहीं निकाल पाया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तू पाखंड करना भूल जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है यार, कहीं सचमुच में इसके अंदर तो भूत नहीं है? अरे तुम्हारी ये विद्या किस काम आएगी, तुम इसका भूत निकाल दो, पता लगे ये कुछ ना कुछ हमारे साथ ही कर जाए। ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी ने इसे भेज रखा हो भड़का के? ऐसी बात है तो देख, अभी मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अर्दन बर्दन कुटी तरदन कुटरिया ने छोड़ी दो, तू मेरा कम नेत्र तो चारो मारी हरी किनारी बाबा पान फोन बात बात बात। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, सुपारी वाला मेरा भूत उतार दिया, किसी को नहीं छोड़ूंगा, भूत उतार दिया, सब भाग जाओ, सबको मार डालूंगा मैं। मैंने क्या हुआ भाई? हो गया तुम्हारा इलाज? हाँ मेरा तो भूत उतर गया, उस बाबा जी में चढ़ गया, अब उसका इलाज होगा। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था, गया था मानन। पैसे चाहिए तुझे? पैसे चाहिए? मैं तुझे पैसे हैं? राम, छोड़ दे मुझे भाई राम, मैं तो कह रही तेरे कीड़े पड़े, तेरा नाश हो जाए, तू कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे, तेरे तो बहुत सीर हो जाए। मुझे देखता हूँ, देखता हूँ कब तक छुपेगी तू, अंदर चली गई ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, देखता हूँ भागो कहाँ तक भागोगे। सच
बच्चा चबा जाऊंगा। नहीं यार पैसा आ गया। और ये कहाँ गई? सारे भक्त भी गए और वो पैसे भी गए। अरे संतो कहाँ है तू? अरे मैं तुझसे कह रहा हूँ। अरे मैंने पैसे कितने आगे फाड़ फाड़ मुझे क्या देख रही है? अरे सब लोग कहाँ है और पैसे कहाँ? पैसे चाहिए तुझे? हाँ पैसे चाहिए। पैसे लेगा तो? हाँ। अरे पैसे अरे बाप, अरे मार तू रही है। अरे तुम तो रही हो। अरे मार मत। अरे तुझे कितने पैसे चाहिए रख ले? अरे भवानी, अरे मुझे छोड़ दे। अरे बाबा बनने का बहुत शौक है ना? अरे कौन तूने तो कहा था बाबा बनने के लिए मुझे? अरे याद तो कर। बाबा बनेगा तू लोगों का? बिल्कुल नहीं। अरे नहीं 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 भवानी, बिल्कुल नहीं नहीं। मेरी चीज मेरे बाप की चीज है। अब करेगा डांस? अब करेगा डांस? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी चीज, मेरे बाप की चीज, तेरी चीज, मेरी चीज, पड़ोसियों की चीज। बता मैं कौन हूँ? अरे वो मेरी पत्नी तो नहीं है, तू तो भवानी है, काका माई। मैं सुपारी वाला बाबा हूँ। सुपारी वाले बाबा की आपको नमस्ते। आप कुछ नहीं समझते? क्या समझते हो बाबा? बिना गुरु का चेला और मैंने घर घर पेला। छोड़ दे। अब मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ दे भवानी, छोड़। बस वही रुक जा, एक कदम और आगे बढ़ाया तो भाग फूक कर दूंगा। अरे बाबा बाबा बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी, इसके अंदर सुपारी वाले बाबा की आत्मा घुस गई है। हट जा मेरे रास्ते से, आज मैं इसे सबक सिखा के लाऊंगा। मेरे होते हुए तू इसे कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ छोड़ दे तू इसके शरीर को, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा इसे, इसने जानबूझ के मुझसे पंगा लिया है। मैं तो इसका वो हाल करूंगा जो ये सोच नहीं सकता। तू ऐसे नहीं मानेगा, खैर मैं बताता हूँ तुझे। नहीं 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 छोड़ दे मुझे। नहीं 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 नहीं। अरे बाबा बाबा, आपने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया बाबा। ये सब क्या हो गया था? कभी ये पागल हो जाती थी, कभी मैं पागल हो जाता था, और एक दूसरे को खोपते थे बाबा। ये सब क्या था? ये बिना तपस्या, बिना सिद्धि और बिना गुरु बनाए ढोंग जो रचा था उसका फल है। ले जा इसे उठाकर। बाबा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, एहसास हो गया है कि जो पैसे की लालच में इससे धोख करके लोगों को ठगता है उसका यही अंजाम होता है। ले जा इसे उठा के। संतो खड़ी हो जा।
खड़ी हो जाए, हम ठीक हो। चलो चलो अंदर चलो, चलो अंदर दिखाता हूँ तुम्हें। सिद्धि प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पैसों के लालच में कोई भी अगर ऐसा दुस्साहस करेगा तो उसका भी ऐसा ही अंजाम होगा। कभी भी ये गलत तरीका नहीं है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और लाइक करें। जय हिंद।